speaking against the motion mostly Anupam Kher. Freedom of speech जो है या freedom expression हम सबको मिला हुआ है. Freedom of speech के साथ आती है एक sense of responsibility. That's very important. What is important is the sense of responsibility to every citizen of this country. What am I doing it? Freedom of speech. आप घर पे बोल सकते हैं महनचोद. जो रूल आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो देश पे इस्तेमाल करिए तो मानूंगा मैं आपको. आप घर पे पिताजी को बोलते हैं एक झांपड़ मारो, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं बोल सकते. मगर यहां आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है, और ये है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये आजादी हमारे देश में आपकी, बोल सकते हैं. तो लेट्स नॉट क्रिएट दिस परसेप्शन कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां बहुत डर के रहना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, आपके घरों में घुसे आ रहे हैं, आपको जेल में भेज दिया जा रहा है. कोई नहीं है यहां पर. आजकल जहाज की टिकट नहीं मिलती है, रेलवे की टिकट नहीं मिलती है, लोग गाड़ियों पे गाड़ी चले जा रहे हैं. जयपुर में 15 साल पहले आता था तो 10 मिनट में अपने होटल पहुंच जाता था, आज एक घंटा लगा पहुंचने में. दैट मीन लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं, लोग खुश हैं. खुशी से भारतीय होने का फायदा उठाइए. ये देश जो है, यहां जितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यहां है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है. तो जो नियम आप घर पे लागू करते हैं उसको देश पे लागू करिए. जय हिंद. स्पीकिंग फॉर द मोशन कपिल मिश्रा. हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते. मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है. पापा कोई मैनिफेस्टो लेके थोड़ी आए थे. पापा ने ये थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा. अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता. अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें. और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या इस देश में? हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात. हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की. मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे. संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए. मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में. हमने तो दैत्यों के गुरु को भी, शुक्राचार्य को भी गुरु की उपाधि दी थी. हमने कहा चार्वाक जो हमारी संस्कृति, हमारी फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट, कंज्यूमरिज्म और मेटरलिज्म की बात करते थे, उनको भी हमने बोला महर्षि चार्वाक है. कबीर बनारस के घाट में पंडों के बीच में, पुजारियों के बीच में खड़े होकर बोलते हैं, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उसके बाद भी कोई उन्हें कुछ नहीं बोलता. मुगलों के राज में वो फकीर खड़ा होकर कहता है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, उसके बाद भी कोई उन्हें यह नहीं कहता. कबीर को कोई यह नहीं कहता पाकिस्तान चले जाओ तुम नक्सलवादी हो, जंगली हो, पाकिस्तानी हो, कोई नहीं कहता कबीर को. ये हिंदुस्तान के अंदर ये जो शुरुआत है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने की, ये इंदिरा गांधी ने शुरू की. उन्होंने कहा ये कलाकारों ने, आर्टिस्ट ने, साहित्यकारों ने, रिपोर्टरों ने मिलकर हमारे सत्ता पलट दी, तो उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी. आर के धवन जैसे लोग मोरारजी देसाई से बड़े नेता बन गए. वही हो रहा था कांग्रेस की इंदिरा में जो मोदी जी की भाजपा में आज दिखाई दे रहा है हम लोगों को. लेकिन एक बात है, अगर वो लॉबिंग, वो नेटवर्किंग, वो सब शुरू नहीं होता तो शायद सुहेल सेठ जैसे लोग यहां मंच पे मेरे साथ भी नहीं बैठे हुए होते. मैं ये बात कहना चाहता हूं, बड़े खुल के कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का यंग पॉलिटिशियन हूं, आम आदमी पार्टी है, मेरे नेता को तो तुम शाही भी फेंक दो, गाली भी दे दो, पत्थर भी मार दो, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता. आप केजरीवाल को खुजलीवाल बोलो, दिन में 10 बार खुजलीवाल बोलो, खांसी वाला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैं मोदी को फेकू बोलूंगा, जब मैं राहुल को पप्पू बोलूंगा तो मुझे उसकी छूट होगी. मैं यही कहना चाहता हूं, ये छूट हो. आप मोदी मोदी चिल्लाओ, आपको छूट है, इसके लिए तुम्हें जेल में थोड़ी डाल देंगे. क्यों डालेंगे जेल में भाई, पूरी छूट होनी चाहिए इस देश के अंदर, ये हिंदुस्तान है. ये मेरा टाइम काउंट.
बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस देश में मन की बात मोदी भी करेंगे और मन की बात हम भी करेंगे, जिसको रोकना है रोक ले। थैंक यू अनुपम जी फॉर टॉकिंग फॉर द मोशन। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं।